नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 नवंबर 2021 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड 2018 बैच, 19 बैच और 21 बैच लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। और देखिए दोस्तों, चतुर सेमेस्टर का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है, पूरी अपडेट को कवर करेंगे। फेल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों स्क्रूटनी के लिए जो आवेदन है वो आज से शुरू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 दिन 16 घंटे 14 मिनट दोस्तों अब तक यहाँ पर शेष बचे हैं। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, समय धीरे धीरे दोस्तों कम होता जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सबमिट स्क्रूटनी फॉर्म है उसके लिए दोस्तों प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और आपको बता दें, जो हमारे प्रैक्टिकल के नंबर अपलोड होने थे वो भी दोस्तों उसकी डेट भी यहाँ पर अब खत्म हो चुकी है, जो कि दोस्तों तारीख थी 30 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक। तो मतलब दोस्तों अब सब कुछ क्लियर है कि आप लोग के कॉलेज वालों ने अब तक आपका प्रैक्टिकल का नंबर ऑनलाइन अपलोड कर दिया होगा। और ये दोस्तों स्क्रूटनी का मैटर है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। कुछ और दोस्तों बड़ी अपडेट आपके सामने रखेंगे। लेखपाल के 7,882 पदों पर भर्ती जल्द, यहाँ देखे दोस्तों आधिकारिक नोटिस। जी हाँ दोस्तों, क्या अपडेट निकल कर आ रही है, पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे। उसके बाद यूपी टेट न्यूज, आज दोस्तों तय होंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा के केंद्र। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट को कवर करेंगे। फिर दोस्तों बात होगी जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, अब 15 नवंबर को होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी तरफ से एक और बड़ी अपडेट आ रही है। अभी तक दोस्तों जो इसका रिजल्ट आने वाला था ये 12 नवंबर को आने वाला था, लेकिन इसकी तारीख में बदलाव कर दिया गया। अब दोस्तों क्या रीजन हो सकता है, अभी देखते हैं इस अपडेट में। और देखिए दोस्तों, 2019 बैच के लिए बड़ी अपडेट है। आपको दोस्तों पता होगा कि नई शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों महाधरने की तैयारी हो रही है, और 15 नवंबर से दोस्तों बच्चे धरना शुरू करेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया अभी तक, ठीक है, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, वहां से आप चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट, ठीक है, जैसे रिजल्ट घोषित होगा। लेकिन शिक्षक भर्ती महाधरने की तैयारी, तो आपको कुछ बातें यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो गाइस, अगर हमारा चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जल्द से जल्द नहीं आता तब आपके लिए दोस्तों समस्या खड़ी हो सकती है, ठीक है। मान लेते दोस्तों रिजल्ट आ जाता। देखिए होता क्या है कि जो हमारा सेकंड सेमेस्टर का जब रिजल्ट घोषित हुआ डीएलएड में, तो गाइस इतने ज्यादा बच्चों की बैक लग गई, और कुछ बच्चों का मानना ये है कि कॉपियां गलत चेक हुई हैं। इसीलिए दोस्तों हो रहा है कि जल्द से जल्द अगर फोर्थ का हमारा रिजल्ट आ जाएगा, इन केस अगर आपकी कॉपी गलत चेकिंग या कुछ भी हुआ होगा, तो स्क्रूटनी का आपको मौका तो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जब रिजल्ट में ही देरी होगी, और आप स्क्रूटनी में आवेदन की जो प्रक्रिया है ना, आजकल भैया 1 महीने का समय कम से कम लगता है। इसका दोस्तों सबूत पिछली बार भी स्क्रूटनी का आवेदन था, और इस बार भी जो स्क्रूटनी का आवेदन चल रहे हैं उसका समय 1 महीने रखा गया है। तो मतलब दोस्तों उसका जो रिजल्ट आएगा तो लगभग 2 महीने का समय लग जाएगा। तो बस आप समझ जाइए कि अगर इतनी ज्यादा लेट लतीफी होगी तो नुकसान आपका ही होगा ना। लेखपाल के दोस्त इतने पदों पर वैकेंसी, पूरी अपडेट को कवर करेंगे। और देखिए दोस्त, हमारी जो नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है, एक तो आचार संहिता वाली दिक्कत आ रही है, और दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2022 तक हर हालत में नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसका दोस्तों रीजन क्या है कि जो हमारा यूपी टेट का रिजल्ट है उसकी डेट रखी गई है फिलहाल 28 दिसंबर। 28 नवंबर को आपको पेपर होगा यूपी टेट का। हाँ, कुछ और सोशल मीडिया की अफवाह से पहले आप लोग सावधान रहिए। जब आपका यूपी टेट का पेपर नजदीक आता जाता है तो भैया सोशल मीडिया पर अफवाहें चलने लगती है कि यूपी टेट का पेपर होगा कैंसिल, पेपर की डेट बदल जाएगी, ऐसा वैसा। ठीक है, तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी खराब मत करिएगा, नहीं तो आप ऐसी अपडेट देख लेंगे, आप सोचेंगे यार चलो ठीक है पेपर की तारीख टल गई है, चलो बाद में पढ़ाई करेंगे, उससे दोस्तों आपका नुकसान होगा। याद रखिएगा, जो बड़े पेपर होते हैं उसकी डेट बहुत ही कम बदली जाती है। अब मान लेते कि सेम डेट पर कोई और पेपर पड़ गया, तो भैया आपको डिसाइड करना है कि आपको यूपी टेट का पेपर देना है कि नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, हमारा जो यूपी टेट का पेपर था वो 28 नवंबर को ही कराया जाएगा। डेट बदलने की कोई भी अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो आप लोग सोशल मीडिया की अफवाह से सावधान रहिए। चलिए लेखपाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप में से काफी बच्चे लेखपाल वैकेंसी में हिस्सा लेना चाहते होंगे, पार्टिसिपेट करना चाहते होंगे। राजस्व लेखपाल के 207,882 पद, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और समान योग्यता के 9,212 पद, कृषि प्रावधिक और गन्ना पर्यवेक्षक के 2,500 पद, ऐसे दोस्त यहाँ पर कुछ पद दिए गए जिस पर भर्ती की जानी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही लेखपाल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 207,882 लेखपाल पदों पर भर्ती की जाएगी। यूपी SSSC पेट रिजल्ट जारी हो चुके हैं, और आधिकारिक नोटिस के अनुसार अब आयोग लिखित, मतलब जो है लेखपाल भर्ती का नोटिस इसी माह जारी करने वाला है।
यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम कैलेंडर 2021 के अनुसार राजस्व लेखपाल के 207,882 पद और ये सब जो दिया गया है इस पर भर्ती की जानी है। और देख लीजिए जो हमारा पेट का पेपर था वो 24 अगस्त को किया गया था। तो ये सब दोस्तों बात है कि इसी परीक्षा के माध्यम से ग्रुप सी के पदों पर भर्ती की जाएगी। तो एक बात और है, जो हमारा पेट का रिजल्ट घोषित हुआ है दोस्तों वो 1 साल के लिए ही मान्य होगा। याद रखिएगा जिस दिन से हमारा रिजल्ट आया उस दिन से 1 साल के बाद वो उसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। इस दौरान दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में निकलने वाली ग्रुप सी भर्ती के लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट स्कोर कार्ड मान्य होगा। आयोग द्वारा इस परीक्षा में पास उम्मीदवारों के लिए मेन एग्जाम का आयोजन कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों उम्मीदवार समय समय पर उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहे। ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग हमारी जो बीटीसी की वेबसाइट है यहाँ पर भैया अब स्कूटी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चतुर्थ सेमेस्टर जो हमारा प्रैक्टिकल का नंबर ऑनलाइन अपलोड किया जाना था उसकी डेट भी अब खत्म हो गई। अगर आपके कॉलेज वालों ने लापरवाही की होगी आपका नंबर अपलोड नहीं किया तब दोस्तों आपके साथ दिक्कत आ सकती है। ठीक है तो ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट और ये आप देख सकते हैं लेखपाल की अपडेट। और यहाँ पर यूपी टेट की न्यूज भी जरा हम देखते हैं। प्रयागराज से अपडेट निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए केंद्र शनिवार को तय किए जाएंगे। इसके पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से परीक्षा केंद्र निर्धारित कर सूची मांग की थी। इसमें दोस्तों कुछ जिलों ने आज सूची उपलब्ध कराई जिसके कारण परीक्षा केंद्रों का निर्धारण अभी नहीं हो सका है। इस परीक्षा में शामिल होने में दोस्तों लगभग आप मान के चलिए कि 21 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है। इसमें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के परीक्षार्थी शामिल हैं। परीक्षा 28 नवंबर को 2 पालियों में कराई जाएगी। तो दोस्तों ये बस अपडेट है। ठीक है अब जरा इसको देख लेते हैं जूनियर भर्ती का रिजल्ट क्यों नहीं आ पाया। जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम अब सोमवार 15 नवंबर को जारी होगा। परिणाम जारी होने के साथ सूबे के 1504 सहायक अध्यापक और 390 प्रधानाध्यापक मिल जाएंगे। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 12 नवंबर को परीक्षा परिणाम जारी करने की प्रस्तावित तिथि थी लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से परिणाम जारी नहीं हो सका है। जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 मंडल मुख्यालयों पर बनाए गए केंद्रों पर 17 अक्टूबर को संपन्न हुई थी। परीक्षा में अभ्यर्थियों की दोस्त उपस्थिति 80.38% रही। ठीक है मतलब सोच लीजिए 80% से ज्यादा बच्चों ने भैया पेपर दिया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं वीडियो के अंत में कुछ बड़ी बातें। अब 2021 बैच के जो बच्चे नए अभी एडमिशन ले रहे हैं डीएलएड में या ले चुके हैं अब उनका भी एक सवाल है कि हमारा प्रथम सेमेस्टर का पेपर कब तक होगा। तो गाइस देखिए जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा उसको कम से कम मान के चलिए 6 महीने का समय लगता है। कुछ बच्चों का सवाल था कि क्या जनवरी में पेपर हो सकता है। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन से आपका एडमिशन होता है उसके 6 महीने के बाद ही आपका पेपर हो पाएगा। ठीक उससे पहले पेपर की कोई गुंजाइश नहीं है। लेट हो सकता है लेकिन जल्दबाजी की कोई उम्मीद मत रखिएगा। बाकी दोस्तों बात कर रहे थे हम लोग प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों बाकी हमारे प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर जो परीक्षा का रिजल्ट है उसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। ठीक है तो इसका रिजल्ट आज के आज अभी तुरंत आप डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखिए जो आपका रोल नंबर लगता है दोस्तों वो न्यू वाला लगता है। काफी बच्चे बैक पेपर वाले होते सोचते हैं यार चलो पुराने रोल नंबर से अपना रिजल्ट डाउनलोड करें तो नहीं हो पाता। याद रखिएगा दोस्तों आपको नए रोल नंबर की जरूरत पड़ती है। जो आपने मतलब नया रोल नंबर कौन सा होता है जो भी आपने इस बार पेपर दिया होगा चाहे आपकी बैक परीक्षा हो चाहे कोई भी पेपर हो तो जो रोल नंबर आपको ये एडमिट कार्ड मिला था बस वही वाला रोल नंबर आपको डालना है। चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का रिजल्ट तो दोस्त इसी का इंतजार हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बच्चों को उम्मीद है कि भैया कुछ बच्चों की बैक लग सकती है क्योंकि द्वितीय सेमेस्टर का जो हमारा रिजल्ट आया था बेहद खराब था। उसी वजह से बच्चे ज्यादा परेशान है कि रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित हो जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो कितने बच्चे पास हो रहे हैं कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। और देखिए दोस्तों फेल छात्रों को मौका भी दिलाना है नई भर्ती में। जी हाँ दोस्तों द्वितीय सेमेस्टर रिजल्ट घोषित हुआ लेकिन अभी तक प्रमोट की नोटिस नहीं आ पाई। तो फायदा क्या हुआ दोस्तों रिजल्ट इतनी जल्दी जारी कराने का। बच्चे परेशान हैं क्योंकि जब तक ये प्रमोट की नोटिस नहीं लाएंगे तब तक फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हो नहीं पाएगा। अब यहाँ पर किसी बच्चे की बैक भी लग गई फोर्थ में तो उसको एक मौका मिलेगा तो शिक्षक भर्ती में भी दोस्तों मौका बन सकता है। याद रखिएगा सुपर टेट आवेदन की अंतिम तिथि तक अगर आपका दोस्तों डीएलएड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आता तब आप शिक्षक भर्ती के पात्र नहीं माने जाएंगे। भले दोस्तों आपने यूपी टेट क्लियर क्यों ना कर लिया सुपर टेट में हम कह रहे 150 ने 150 नंबर ले आइए लेकिन रिजल्ट है दोस्तों आपका सुपर टेट आवेदन से पहले आना चाहिए। ठीक है नहीं तो आप आवेदन कर देंगे आपका डीएलएड का रिजल्ट नहीं था चाहे वो प्रमोट का रिजल्ट हो चाहे कोई भी रिजल्ट हो चारों सेमेस्टर का रिजल्ट होना चाहिए भले ऑनलाइन वाला हो लेकिन रिजल्ट होना ही चाहिए। फेल छात्रों के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों खुशखबरी यही कि स्कूटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है।
बहुत से बच्चे स्कूटनी में आवेदन करके अपने नंबर बढ़वा लेंगे, ठीक है, पास हो जाएंगे। देखिए गलत कॉपी चेकिंग या नंबर जोड़ने में गलती हो जाती है। इस बार रिजल्ट देखिए बहुत ही जल्दी तैयार किया गया था। अगर आप सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि उस समय यूपी टेट वाला मैटर था, इसलिए रिजल्ट को बेहद जल्दी तैयार किया गया ताकि बच्चों को भैया यूपी टेट में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये दोस्तों मामला था। तो 2019 बैच के लिए दोस्तों बड़ी अपडेट यही कि हमें जल्द से जल्द अपना फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित कराना है, और उसके बाद प्रथम और तृतीय सेमेस्टर जो हमारा प्रमोट का रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया उसको भी जारी करवाना है। शिक्षक भर्ती में मौका आपको तभी मिलेगा जब आपका डीएलएड का चारों सेमेस्टर क्लियर हो। बाकी दोस्तों डीएलएड छात्रों की मांग यही कि डीएलएड छात्रों को प्रथम वरीयता मिले नई भर्ती में। जी हाँ दोस्तों, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। देखिए जब शिक्षक भर्ती का पेपर देकर आएंगे, जब आपके ही साथी बीएड वाले जब उनको नौकरी मिलेगी, क्योंकि देखिए उनकी संख्या ज्यादा, मेन बात यही कि उनकी संख्या बल ज्यादा है, ठीक है। बाकी दोस्तों उन बच्चों को टीजीटी में भी तो मौका मिलता है। दिक्कत यहाँ पर यह है, अगर डीएलएड छात्रों को भी टीजीटी, एलटी ग्रेड और बीईओ जैसी वैकेंसी में मौका मिलने लगे, तब डीएलएड छात्रों का भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि चलो बीएड को मौका मिले या ना मिले, उनको बताइए उधर भी मौका इधर भी मौका। तो ये दोस्तों सरकार की भैया नाइंसाफी बच्चों के साथ डीएलएड छात्रों की। सरकार को चाहिए कि सबको समान तरह से देखे और डीएलएड छात्रों का भी भैया भविष्य देखे कि इन बच्चों को नौकरी आगे कैसे मिल पाएगी, नहीं तो नुकसान आपका होगा। देखिए सोचिए, 2019 में कोई वैकेंसी नहीं आई, 2020 बेकार चला गया, 2021 अभी तक कोई भर्ती की उम्मीद नहीं लग रही है, प्राथमिक की बात हो रही है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, 3-3 साल से बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, 2022 में वैकेंसी आने की उम्मीद है, वैकेंसी कंप्लीट होने में 1-1.5 साल का समय लग जाता है, तो 3-4 साल कितना आप इंतजार करेंगे आप सोच लीजिए। इसीलिए कह रहे हैं कि परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेहद अच्छे तरीके से करिएगा। एक गलती होगी दोस्तों, आप सालों साल बेरोजगार रहेंगे। सोचिए 3 साल से बच्चे बेरोजगार बैठे, 2017 बैच के, कब से उनका कंप्लीट हो गया। अभी तो 2019 बैच के छात्रों के लिए भैया बढ़िया बात है, क्योंकि आपका भैया फ्लो चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, इसलिए आपको नौकरी पाना सबसे आसान होगा। याद रखिएगा 2019 बैच इस समय सबसे मजबूत स्थिति में, खाली रिजल्ट आ जाए तो गाइस आपका जो सिलेक्शन होगा 2019 बैच से वो 18 और 17 बैच के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहिए, और यूपी टेट का पेपर समय से होगा, चतुर्थ सेमेस्टर और स्कूटनी वाला। स्कूटनी आवेदन की दोस्तों जो फीस है 100 रुपए पर सब्जेक्ट लगती है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। बाकी कॉलेज वाले तो भैया अपने मन मुताबिक लेंगे, आपको पता है कॉलेज वालों का काम है लूटना। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस।